अज राजपुरा तो चंडीगढ़ रोड ते ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने बिना टैक्स तो घूम रही बसां ते गड्डियां उत्ते प्रशासन नाल मिल के शिकंजा कसिया। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब सरकार दा रेवेन्यू लॉस ते जा रहा है अते टैक्स चोरी की जा रही है, जिस करके अज देर रात तो ही बसा दे कागजात चैक किए जा रहे हैं। उन्हां कहा कि ऑर्बिट बस समेत होर गड्डियां जब्त कीतियां गईयां हन। राजपुरा दे करोड़ों रुपया की लागत नाल बले बस स्टैंड नूं पिछले लंबे समय तो बंद होण करके पुछे सवाल ते कहा कि इस संबंधी जल्द ही हलका विधायक नाल गलबात करके इस मामले का हल करवाया जाएगा। हाँ जी, असी रात तो ही मुकम्मल चैकिंग कर रहे हैं। जड़े भी नॉर्म्स की उलंघना कर रही ने बसेस, उन्हें चैकिंग हो रही है। रात भी कुछ बसेस इंपाउंड की गई हैं, हूँ भी कुछ बसेस इंपाउंड की हैं। कुछ टैक्स की उलंघना कर रही हैं, कुछ स्टेज कैरेज जड़ा और कंट्रैक्ट कैरेज जड़ा परमिट उन्हें उलंघना हो रही है, जिन्हें नाल टैक्स का काफ़ी वड्डा नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू लॉसेज हो रहा है। सो अज वो काफ़ी बसा असी इंपाउंड की हैं। चलो जी, मैं लगता है राजपुरे का जो बस स्टैंड है म्यूनसिपल कमेटी के अंडर होएगा। सो उन्होंने क्योंकि देख रेख म्यूनसिपल कमेटी कर दी होगी, लेकिन और बारे जरा गौर फरमाने हैं। मैं हरदयाल कंबोज जी नाल भी गल कर लैना कि और त्रुटियां है, मैं उद्घाटन नहीं करांगा, लेकिन उन्होंने चलाने का और ठीक करने का उपराला जरूर करांगा। बसेज अंदर ही नहीं जाएगा, सो डोंट वरी। मैं आपके जेडे इतने के साडे MLA साहब ने हरदयाल कंबोज जी, उन्होंने टाई अप करके एरा भी असी जल्द तो जल्द वधिया इंतजाम करते हैं जी। कोई ना कोई सो नहीं जी, मेरा ख्याल वो नहीं कटनिया चाहिए। जे बस स्टैंड बंद है तो फिर पर्चियाँ क्यों कटनिया चाहिए? नहीं बिल्कुल, अगर इस तरह की गल है कि बसेस नहीं जाती पर्ची कटी जा रही है तो गलत गल है। और गौर फरमा, चलो जरूर चैकिंग कर लेंगे जी। लगातार यार मैं थोड़ा धन्यवाद, तुम बहुत चंगे इंसान लगते हो। एंड थोड़ा की नाम है? मनजीत धवन। मनजीत धवन, तुसी बहुत चंगे इंसान हो, बड़े प्यारे हो, तुसी बहुत चंगा सवाल किया है, पर मैं माफ़ी चाहना है क्योंकि ये बसेज वाला मामला जेडे तुहाडे मालिक ने डेली पोस्टते हुई जुझार बस वाले ने, और जाना जे मैं कोई जायज़ भी काम करदा तो डेली पोस्ट वाले कोई ना कोई नजायज़ ही खबर चला देंगे ने, पर बींग एज ए प्रेस दे हो नुमाइंदे हो, मैं थोड़ा एज ए इंसान बहुत सत्कार करता और बहुत चंगा सवाल किया मेरे भरा ने, पर मैं थोड़ा जहा जिंदगी का नियम बनाया हुआ है कि जेड़े लोग इदा की गल करते उन्होंने फिर बाइट नहीं दिता, सिर्फ तू दी है बाइट इस करके कि तुम बहुत प्यारे थे, सत्कार हो तो थोड़े तो इस गल की माफ़ी भी मांगना। सर तुम अक्सर सवारियों को पूछते हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं? तुम गगन चौक एक बार जाके देखो उ कि सवारियों को परेशानी आ रही है। सर जी, हर चीज़ नूं टाइम लगता है, वारी वारी तुसी बस स्टैंड की गल कर रहे हो, मैं कृपा करके चंद दिनों के मसला सुलझा देंगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है सर, थैंक यू।